कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सरकार भी इन कानूनों को किसान हितैषी बता रही है। हरियाणा के रादौर पहुंचे कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा कि आज विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं और वो किसानों को भी पीछे नहीं रहने देंगे। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बारे में पूछे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब किसी और के हाथों में चला गया है। कम्युनिस्ट पार्टी, जो कभी किसानों की बात नहीं करती थी, आज आंदोलन में सबसे आगे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उनका एजेंडा कृषि कानून नहीं बल्कि अपना खुद का स्वार्थ छिपा है। वहीं उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन पर राजनीति पूरी तरह से हावी है। देश विरोधी ताकतों द्वारा शाहीन बाग में जिस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही थी, आज वो टुकड़े टुकड़े गैंग इस किसान आंदोलन में आकर घुस गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बताते चले कि किसान पिछले कई दिनों से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं। किसानों की सरकार के साथ कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बन रही है। आलम यह है कि किसान अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। वहीं आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विपक्ष किसानों को बहकाने का काम कर रहा है। यह कृषि कानून किसानों के हित में है, विपक्ष किसानों को जानबूझकर गुमराह कर रहा है। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। रादौर हल्का के लाखों रुपए के विकास के कार्यों के उद्घाटन मैं और कर्ण देव जी कंबोज, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, दोनों ने मिलकर के पहले तो गुमथला राव में एक सड़क का शुभारंभ किया है, जो 80 लाख रुपए की लागत से बन धीरे धीरे करके, क्योंकि विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है विकास कार्यों के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास किया और नरेंद्र मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है। और विपक्ष क्योंकि आज जमीन तलाश रहा है कि हम किस प्रकार से सर्वाइव करें, वो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके शायद वो अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहा है। परंतु आज देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात से सबसे वाकिफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हर वर्ग की चिंता कर रहे हैं, वो किसान को भी पीछे नहीं रहने देंगे, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि आज जो उद्घाटन के कार्यक्रम थे, शायद हमारे से पहले अगर किसी ने कुछ किया हो, क्यों हमारे सामने तो कुछ नहीं था, हम तो जब कार्यक्रमों के अंदर गए सारा का स्मूथली हमारे कार्यक्रम चले हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ किसान संगठन है और वो किसान संगठन जो उनकी बातचीत थी वो पीछे छूट गए हैं, उस आंदोलन को किसी और के हाथों में चला गया, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। लाल झंडा आज तक किसान के आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं देता था, सबसे ज़्यादा आगे वो लोग बैठे हैं और वो अपने उनके एजेंडे हैं, वो किसान के एजेंडे नहीं हैं उनके पास। ये किसान एजिटेशन नहीं रहा, इसके अंदर राजनीति घुस गई है और इस प्रकार की राजनीति घुस गई है कि जो मैंने आपको बताया कि पहले जिस प्रकार से शाहीन बाग के अंदर बैठ करके देश को तोड़ने की बात की जा रही थी, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही थी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग पूरा का पूरा इस किसान आंदोलन के अंदर आकर घुस गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.